आज की शाम हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर सत्यजीत सहाय की। इन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी अपना जौहर दिखाया। इन्होंने ऐसे कुछ मरीज को सही किया है जिन्हें दूसरे डॉक्टर लगभग जवाब दे चुके थे। इन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। सो आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज डॉक्टर सहाय। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं अचीवर्स क्लब के ट्रस्टीज और सारे कमिटी मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक डॉक्टर होने के नाते लोगों की जान बचाना सिर्फ मेरा पेशा ही नहीं बल्कि मेरी पैशन, मेरी पूजा है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो चमत्कार करता। भगवान नहीं, जल्लाद है तू, जल्लाद। अपने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना पेशा है तेरा। इसे अवार्ड से नहीं जूतों से सम्मानित करना चाहिए। डॉक्टर सत्यजीत सहाय, एक नामी हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड, 17 साल का अनुभव, 150 से अधिक सफल ऑपरेशंस, जिनका रुतबा इतना था कि लोग उन्हें भगवान का दर्जा देते थे। उन्हें ऐसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका था। भरी सभा में एक 21 साल का लड़का डॉक्टर सहाय को जूता फेंककर जलील करता है। समारोह में प्रेस मीडिया सबके सामने डॉक्टर सहाय को जूता फेंककर मारा। कौन था ये लड़का और क्या संबंध था इसका डॉक्टर सहाय के साथ? कर रही हो ये? कोई जंग जीत कर लौटा हूं क्या? And the Best Student Award goes to Mr. Brijesh Gupta. Brijesh? ये ले, चल दूध पी ले। रख दीजिए माँ, अभी पी लेता हूँ। पहले दूध पी ले। मम्मा बस लास्ट रह गया, अभी नहीं, पी ले। नहीं नहीं मम्मा पी नहीं ले। कुछ रहने दो, बाद में। चल दूध पी ले पहले, फटाफट ले। हॉस्टल में पढ़ाई, घर में पढ़ाई, सारा दिन तू पढ़ाई करता रहेगा तो तेरी आंखें खराब नहीं होगी? और फिर पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं तो आर्किटेक्ट कैसे बनूंगा? और आर्किटेक्ट नहीं बनूंगा तो आपको और बाबा को सैर कैसे कराऊंगा? तो दूध भी पीना पड़ेगा। तो मां पढ़ना भी तो पड़ेगा फिर। क्या हुआ? देखिए ना, ब्रिजेश ने आज भी दो ही निवाले खाए। देखो तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने अभी डॉक्टर मेहता से बात की है ब्रिजेश की कंडीशन के बारे में सेकंड ओपिनियन लेने के लिए। कल का अपॉइंटमेंट भी मिल गया। डॉक्टर मेहता बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी मदद जरूर करें। लेकिन डॉक्टर सहाय ने तो कहा था कि... अरे डॉक्टर सहाय के कहने से क्या होता, उनकी कही हुई हर बात पत्थर की लकीर हो जाती है क्या? दुनिया में आज भी चमत्कार होते हैं। डॉक्टर सहाय,
कुछ महसूस हुआ? नहीं डॉक्टर। देखिए मिस्टर गुप्ता, ब्रिजेश की रीढ़ की हड्डी की जो नब्ज है वो डैमेज हो गई है, इसलिए उसके शरीर का जो निचला हिस्सा है वो काम नहीं कर पा रहा है। उसे एक्चुअली पैरालाइज हो गया है, इसलिए अब वो दोबारा चल नहीं पाएगा। आई एम सॉरी। ब्रिजेश, पास 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 पास, कमन 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 कमन। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? हाँ बोलना। बेटा कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें बाथरूम ले चलता हूं। आ बेटा। बाबा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था बाबा? ब्रिजेश गुप्ता जैसा हंसता खेलता तंदुरुस्त और स्वावलंबी लड़का जो कल तक अपने भविष्य के सपने बुन रहा था, कॉलेज जा रहा था, फुटबॉल टीम का कैप्टन था, आज उसके लिए सिर्फ अपने बिस्तर और व्हीलचेयर तक सीमित रह जाना मौत से कम नहीं था। और इस बेबसी का असर अब उसके दिलो दिमाग पर भी दिखने लगा था। हंसमुख और मिलनसार ब्रिजेश अब दिन ब दिन गुस्सैल और चिड़चिड़ा होता जा रहा था। उसे अपनी छोटी से छोटी जरूरत के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता था। उसका आत्मविश्वास खत्म होता जा रहा था। लेकिन सवाल यह है कि ब्रिजेश इस अवस्था में पहुंचा कैसे? कोई भी माता पिता अपने बच्चे को यूं घुट घुट कर मरता नहीं देख सकते, लिहाजा ब्रिजेश के माता पिता भी इसी कोशिश में लगे थे कि किसी भी तरह उनके बेटे का खोया आत्मविश्वास फिर से लौटाए। मां।
बाबा माँ बाबा बाबा माँ बेटा बाबा अरे ब्रजेश कहाँ खोया हुआ यार? चल हमसे बात नहीं करनी, कम से कम न्यूज़पेपर तो पढ़, तुझे दीन दुनिया की खबर तो पता लगे। ले बाबा क्या हुआ बेटा? डॉक्टर सत्यजीत सहाय को अचीवर्स क्लब की तरफ से सम्मानित किया जाने वाला है। मानवता की सेवा, रोगियों की रक्षा करने के लिए। मुझे वहां जाना है बाबा। ठीक है बेटा। आज की शाम हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर सत्यजीत सहाय की। इन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी अपना जौहर दिखाया। इन्होंने ऐसे कुछ मरीज को सही किया है जिन्हें दूसरे डॉक्टर लगभग जवाब दे चुके थे। इन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया और हमें इन पर गर्व है। सो आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज डॉक्टर सहाय। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं अचीवर्स क्लब के ट्रस्टीज और सारे कमेटी मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक डॉक्टर होने के नाते लोगों की जान बचाना सिर्फ मेरा पेशा ही नहीं बल्कि मेरी पैशन, मेरी पूजा है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो चमत्कार करता है। भगवान नहीं, जल्लाद है तू, जल्लाद। अपने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना पेशा है तेरा। इस अवार्ड से नहीं, जूतों से सम्मानित करना चाहिए। सर आपका नाम क्या है और आपने डॉक्टर सहाय जैसे महान इंसान के साथ ऐसा क्यों किया? मेरा नाम ब्रजेश गुप्ता है और डॉक्टर सहाय एक महान हस्ती नहीं है, वो किसी अवार्ड के हकदार नहीं है बल्कि जूतों के हकदार है। पर क्यों, आखिर क्या दुश्मनी है आपकी डॉक्टर सहाय से? डॉक्टर सहाय ने मेरे बेटे की हालत कर दी है। इस डॉक्टर सहाय ने मेरे बेटे को कुर्सी का मोहताज बना दिया जिंदगी भर के लिए। इनसे कहो कि अगर इन्हें हिम्मत है तो अपनी गलती के लिए हमसे माफी मांगे। ये कैसा डॉक्टर है, जिंदगियों से खेलता है और आप लोग इसे अवार्ड देते हैं, अचीवर्स अवार्ड, इसलिए इसको मोहताज बनाने के लिए। ये कैसा डॉक्टर है, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आवाज उठाइए हमारे लिए प्लीज। ये डॉक्टर नहीं है, जल्लाद है ये। डॉक्टर साहब आपकी इतनी बेइज्जती आज तक नहीं हुई है, क्या ब्रजेश गुप्ता और उनके पिता द्वारा लगाए गए सारे इल्जाम सच हैं? डॉक्टर साहब क्या ये सच है कि आपकी वजह से ब्रजेश गुप्ता अपाहिज हो गए हैं? देखिए अपनी बदनसीबी के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने वालों की दुनिया में कोई कमी नहीं।
हम जैसे डॉक्टरों पर उंगली उठाना तो आजकल का फैशन हो चला। मुझ पर लगाया गया हर इल्जाम बेबुनियाद है, झूठा है। मैंने आज तक सैकड़ों ऑपरेशन किए, सैकड़ों लोगों की जान बचाई। किसी एक आदमी का लगाया हुआ इल्जाम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरी राय में डॉक्टरों की काबिलियत पर उंगली उठाने के बजाय अगर ब्रिजेश गुप्ता जैसे मरीज अपने हालात से समझौता कर जीना सीख ले तो शायद उनकी मुश्किलें कम हो जाएगी। ब्रिजेश गुप्ता और उनके परिवार वालों को तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैंने ब्रिजेश गुप्ता की जान बचाई, मेरी वजह से आज वो जिंदा है। बाबा, मैं बदनसीब नहीं हूं, मैं बदनसीब नहीं हूं बाबा। मैं समझौता नहीं करूंगा, मैं लड़ूंगा, अपने हक की लड़ाई लड़ूंगा। मिस्टर ब्रिजेश, आपकी मेडिकल फाइल तो बिल्कुल ठीक, इसमें कहीं भी नहीं लगता है कि किसी डॉक्टर से कोई लापरवाही हुई, इस वजह से कोई केस भी नहीं बनता। केस नहीं बनता? वकील साहब, ऑपरेशन से पहले मैं चल सकता था, दौड़ सकता था, कॉलेज जा सकता था, मैं अपना काम खुद कर सकता था, पर आज अपने माँ बाबा पे बोझ बन गया, एक अपाहिज की जिंदगी जी रहा हूँ, और आप कह रहे हैं कि केस नहीं बनता। एक्चुअली आपके साथ हुआ क्या था? 2 महीने पहले मेरे चेस्ट में एक ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था, जिसके चलते हम डॉक्टर सहाय से मिले। उन्होंने 2 दिन के बाद एक सर्जरी करने की सलाह दी और 2 दिन के बाद ऑपरेशन हुआ। डरने की कोई बात नहीं है, मामूली ऑपरेशन है, ठीक हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने हैंडल किए, आप लोग यहीं पर रुकिए, ठीक है? क्या हुआ बेटा? बाबा कुछ मुझे नीचे का हिस्सा महसूस नहीं हो रहा है बाबा, मैं अपने पैर नहीं हिला पा रहा हूं। और उसके बाद मेरी हालत हो गई। आईसी। ऑपरेशन से पहले मेरा बेटा ऐसा नहीं था, जरूर डॉक्टर साहब से कुछ गलती हुई और उनकी गलती का खामियाजा मेरा बेटा भुगत रहा। इसके लिए हम किसी मेडिकल एक्सपर्ट से कंसल्ट कर लेते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय। ठीक है वकील साहब, जैसा आप ठीक समझे। जिस तरह का ट्यूमर आपका रिपोर्ट दिखा रहा है उसे हमारी मेडिकल भाषा में एक्सटेंडेड ट्यूमर कहते हैं। अब ऐसे केसेस में इस कंडीशन में कई कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑपरेशन के दौरान दी गई एनेस्थेसिया भी एक कारण हो सकती है। इसलिए हम डॉक्टर सहाय के ऊपर डायरेक्टली इल्जाम तब तक नहीं लगा सकते जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता कि आखिर ऑपरेशन थिएटर में कहीं गलती हुई थी भी या नहीं। आई एम सॉरी मिस्टर गुप्ता, मैं हारने के लिए ये आपका केस नहीं लड़ सकता। मेरी राय है कि आप किसी और वकील से बात करें। बाबा, मैं सोच रहा था कि कोई भी वकील हमारा केस लड़ने को तैयार नहीं, तो क्यों ना मैं खुद ही अपना केस लड़ूं। ये क्या कह रहा है यार तू? ये ठीक कह रहा है नकुल, ब्रजेश हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहा है, और यदि जरूरत पड़ी तो वकालत भी पढ़ूंगा, लेकिन इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा।
हमारे कानून में कोई ना कोई ऐसी सहूलियत तो जरूर होगी बाबा, जिसके तहत मुझ जैसे लोग भी अपना केस खुद लड़ सके और न्याय हासिल कर सके। जरूर, क्यों नहीं बेटा, और तुम फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। चलो। डॉक्टर सत्यजीत सहाय ने ब्रजेश की छाती में मौजूद एक ट्यूमर का ऑपरेशन किया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद ब्रजेश के शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से बेकार हो गया था। ब्रजेश की नजरों में डॉक्टर सहाय ही इसके लिए जिम्मेदार थे और वो उन्हें उनकी लापरवाही के लिए कटघरे में खड़ा करना चाहता था, लेकिन कोई भी वकील ब्रजेश का केस हाथ में लेने को तैयार नहीं था। केस इस कदर पेचीदा था कि कोई भी वकील इसमें उलझना नहीं चाहता था, लेकिन ब्रजेश ने तो तय कर लिया था कि वो इस लापरवाही के खिलाफ लड़ेगा, लिहाजा उसने खुद ही अपने मुकदमे की पैरवी करने का फैसला किया। कानूनी किताबें पढ़नी शुरू की, मेडिकल एक्सपर्ट से मिला, वकीलों से मिला, और 3 महीनों बाद 8 अगस्त सन 2006 को उसने डॉक्टर सत्यजीत सहाय और उस हॉस्पिटल के खिलाफ हाई कोर्ट में मेडिकल नेग्लिजेंस का मुकदमा दायर किया। डॉक्टर सहाय, इससे पहले कि मामला और बिगड़ जाए हमें कुछ करना पड़ेगा। डॉक्टर घोष, डॉक्टर स्वामी, मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं सिर्फ इस अस्पताल का ही नहीं बल्कि पूरे शहर का सबसे अच्छा हार्ट सर्जन। लोग मुझे मसीहा मानते हैं क्योंकि मैं उनके परिवार वालों को जीवन दान देता हूं। आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है, इस केस में आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। मैंने ऐसा ऑपरेशन कोई पहली बार तो नहीं किया, आज तक किसी और पेशेंट के साथ ऐसा हादसा क्यों नहीं हुआ, सिर्फ ब्रिजेश गुप्ता के साथ ही ऐसा क्यों? जज साहब, मैं डॉक्टर घोष हूं, मैं आशा निधि हॉस्पिटल का ट्रस्टी हूं, और डॉक्टर सहाय हमारे हॉस्पिटल के सबसे काबिल डॉक्टर में से एक है। सर, मुझे हॉस्पिटल का डीन बने 4 साल हो चुके हैं, और इन 4 सालों में मैंने डॉक्टर सहाय का कोई भी केस फेल होते हुए नहीं देखा है। डॉक्टर सहाय कोई झोला छाप डॉक्टर नहीं है, ये कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं और अपना काम बखूबी जानते हैं। डॉक्टर सहाय, आपको कुछ कहना है? मिलोर्ड, मिस्टर ब्रिजेश गुप्ता के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन उसमें मेरी कोई गलती नहीं। ब्रिजेश की रीढ़ की हड्डी पहले से ही कमजोर थी, हमने उसे एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दिया तो उसकी बॉडी ने रिएक्ट कर दी। ये सरासर झूठ बोल रहा है योर ऑनर। मैं क्यों झूठ बोलूंगा मिस्टर ब्रिजेश? आपका ट्यूमर कॉम्प्लिकेटेड था जिसे मैंने ऑपरेट किया और उसे निकाल दिया, और ये मेरा पहला केस तो है नहीं, सैकड़ों केसेस हैंडल किए हैं मैंने और सबके रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं मिलोर, सैकड़ों लोगों की जान बचाई है मैंने, जिसका मैं सबूत भी दे सकता हूँ। गवाहों को पेश किया जाए। जज साहब, पिछले महीने मेरी बेटी 7 साल की हो गई है, और वो सब सिर्फ डॉक्टर सहाय की बदौलत है, वरना बाकी डॉक्टरों ने तो उसके पैदा होते जवाब दे दिया था, कहा था कि मुश्किल से 1 साल जिंदा रह पाई। आप जा सकते हैं। थैंक यू मैडम। बतौर मेडिकल एक्सपर्ट आपने ब्रजेश गुप्ता की केस हिस्ट्री के बारे में जांच पड़ताल तो की होगी ना? जी। तो क्या अनुमान लगाया? देखिए, मिस्टर ब्रजेश की रिपोर्ट्स को देखकर ये बताना मुश्किल है कि इनकी कंडीशन की एक्चुअल कारण क्या रही होगी। मैं समझा नहीं, आप कुछ और खुलासा करेंगे? मिस्टर ब्रजेश गुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक इनको जो ट्यूमर था उसे मेडिकल टर्म्स में एक्सटेंडेड ट्यूमर कहते हैं। ये ट्यूमर उनको छाती में जरूर था, लेकिन उसकी जड़ इनके रीढ़ के हड्डी के पास भी थी, इसीलिए ऐसे केसेस में इन तरह की कंडीशन के कई कारण हो सकते हैं। ऐसे कौन से कारण होते होंगे? जैसे ऑपरेशन में दी गई एनेस्थेसिया पेशेंट के शरीर पर रिएक्ट कर सकती है, इसलिए डॉक्टर सहाय पर हम डायरेक्टली तब तक इल्जाम नहीं लगा सकते जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता कि ऑपरेशन थिएटर में वाकई में कोई गलती हुई थी। यानी आपका मानना है कि डॉक्टर सहाय दोषी नहीं है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। डिफेंस विटनेस पर अपनी सोच लाद रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक्स। तो क्या आपने डॉक्टर सहाय को दोषी पाया? जी,
कुछ कहा नहीं जा सकता इस वक्त। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर साहब दोषी नहीं है, am I right? जी, ये भी मुमकिन है कि रीढ़ की हड्डी की नब्स ऑपरेशन के दौरान डैमेज हो गई हो। अब खुद डॉक्टर सहाय ये सब बता सकते हैं या फिर वो लोग बता सकते हैं जो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर सहाय के साथ मौजूद थे। जज साहब, मैं डॉक्टर सहाय के असिस्टेंट डॉक्टर्स और नर्सेस को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। ये अदालत हुक्म देती है कि अगली सुनवाई में इन सभी को बतौर गवाह पेश किया जाए। द कोर्ट इज एडजॉर्न। अपराध और इंसाफ के बीच जंग शुरू हो चुकी थी। डॉक्टर सत्यजीत सहाय के इर्द गिर्द कानून का शिकंजा कसता ही चला जा रहा था और उन्होंने अपनी गर्दन बचाने के लिए हर दांव खेलना शुरू कर दिया। अस्पताल प्रशासन को ऊपर से नीचे तक डॉक्टर सहाय ने अपने काबू में कर लिया। डॉक्टर सहाय, आपने जैसा कहा हम लोगों को, हम लोगों ने कोर्ट में बिल्कुल वैसा ही कहा, लेकिन बात तो बिगड़ती जा रही है। अब आप क्या करेंगे? अगर कोर्ट में उन नर्सिस या डॉक्टर्स में से किसी ने अपना मुंह खोल दिया तो? डॉक्टर घोष, अगर मैं गुनहगार साबित हो गया तो मेरा करियर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन साथ साथ आपकी हॉस्पिटल का नाम भी बदनाम हो जाएगा। इसलिए हम सबकी भलाई इसी में है, हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ दें। कैसे? जूनियर डॉक्टर्स और नर्सिस को तो मैं संभाल लूंगा, मुझे चिंता है तो सिर्फ एक आदमी की। कौन है वो? डॉक्टर जतिन राव, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। डॉक्टर घोष, आप एक काम कीजिए, आप जतिन राव का ट्रांसफर ऐसे दूर दराज के इलाके में करवा दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। मैं मिस्टर ब्रिजेश गुप्ता के ऑपरेशन के समय ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर साहे का असिस्टेंट था। ऑपरेशन काफी मुश्किल था, लेकिन डॉक्टर साहे ने उनका ट्यूमर सक्सेसफुली निकाला और उनकी जान बच गई। उनके पैरालिसिस के लिए डॉक्टर साहे जिम्मेदार नहीं। योर ऑनर, ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर साहे से कोई गलती नहीं, डॉक्टर सत्यजीत साहे बिल्कुल निर्दोष है। योर ऑनर, मैं डॉक्टर साहे के असिस्टेंट डॉक्टर जतिन राव को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। योर ऑनर, डॉक्टर राव अब हमारे हॉस्पिटल में काम नहीं करते। आपको जो भी कहना है कटहरे में आके कहिए। योर ऑनर, डॉक्टर राव हमारा हॉस्पिटल छोड़कर चले गए। कहां गए, क्यों गए, हमें कुछ पता नहीं। तो क्या आपने उनकी गुमशुदगी की पुलिस कंप्लेंट नहीं की? जी हाँ, हमने पुलिस कंप्लेंट की थी। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। यूं समझ लीजिए कि आपका और आपके पूरे परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस फ्री में हो गया। जब भी जरूरत हो ये अस्पताल आपके लिए हाजिर है, क्यों डॉक्टर घोष? जी बिल्कुल, बस इंस्पेक्टर आप सिर्फ कोर्ट में बिल्कुल वैसा ही कहिएगा जैसा मिस्टर सहाय ने आपसे कहा। जी हाँ, हॉस्पिटल ने डॉक्टर जतिन राव के गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन जब कोई अपनी मर्जी से कहीं चला जाता है तो उन्हें ढूंढ पाना हमारे लिए और भी मुश्किल हो जाता है मालूम, और शायद इसीलिए डॉक्टर जतिन राव को हम ढूंढ नहीं पाते थे। दोनों तरफ की दलीलें सुन ली गई। ये अदालत पुलिस डिपार्टमेंट को आदेश देती है कि डॉक्टर राव को खोज निकाले। ऐसा लग रहा था कि ब्रजेश की सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। ब्रजेश को पूरा यकीन था कि सभी डॉक्टर्स और नर्सेस झूठ बोल रहे थे, लेकिन उन्हें गलत साबित करने के लिए उसके पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था। ऐसे में ब्रजेश और उसके परिवार वालों के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता था, डॉक्टर साहे के उस असिस्टेंट को ढूंढ निकालना। जतिन यहीं रहता था एज ए पेइंग गेस्ट। तो आप बता सकते हैं कि वो कहां गया है? जी वो तो मुझे ठीक से पता नहीं है, एक दिन अचानक वो आया और बोला कि मेरा प्रमोशन और ट्रांसफर हो गया है झांसी के किसी अस्पताल में। आपको कुछ पता है कौन सा हॉस्पिटल? ये तो पता नहीं है, लेकिन झांसी के किसी हॉस्पिटल में गया है। जी शुक्रिया। डॉक्टर सहाय, मुझे डर है कि वो लोग डॉक्टर जतिन राव तक पहुंच ना जाए। ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे? हेलो,
मैडम हमें डॉक्टर जतिन राव से मिलना है। डॉक्टर जतिन राव? जी देखिए, डॉक्टर जतिन राव नाम का इस हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर काम नहीं करता। लेकिन मैडम हम तो पता करके आए हैं, वो यही काम करते। देखिए मैंने आपको कहा ना, इस नाम का कोई भी डॉक्टर यहाँ नहीं है। आप देखिए तो। जी शुक्रिया, चलो। तू चाहता क्या है यार, हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? नकुल ठीक ही कह रहा है, क्यों बैठे हैं हम यहाँ? मुझे पूरा यकीन है बाबा, डॉक्टर जतिन राव इसी हॉस्पिटल में काम करते हैं। कहीं ना कहीं वो रिसेप्शनिस्ट झूठ बोल रही थी। वो सब ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ बैठकर क्या होगा? बाबा इस हॉस्पिटल में काम करने वाला हर व्यक्ति यहाँ से जरूर गुजरता होगा। ठीक है बेटा, अगर तुम कहते हो तो थोड़ी देर इंतजार कर लेते। डॉक्टर जतिन राव, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है डॉक्टर। ऑपरेशन के उस वक्त आप ही ओटी में मौजूद थे और आप जानते हैं कि सच क्या है। प्लीज मेरी मदद कीजिए डॉक्टर। देखिए डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर सत्यजीत साय के खिलाफ गवाही दे देंगे तो ब्रजेश के इतने सालों की मेहनत सफल हो जाएगी। मुझे नहीं लगता मैं आपकी कोई मदद कर पाऊंगा। देखिए डॉक्टर साय कोई छोटे मोटे डॉक्टर नहीं है, ये बात तो आप लोग जान ही गए होंगे इतने सालों में। मैं भी एक डॉक्टर हूँ, पानी में रहकर मैं मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकता, चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकता। मेरी नौकरी है, मेरा परिवार है, मेरी एक बेटी भी है। अगर मैं उनके खिलाफ गवाही दूँ तो उसका क्या होगा? मैं अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन डॉक्टर इस तरह सच्चाई छुपा कर और अपनी जिम्मेदारी से भाग कर आप अपनी बेटी को क्या भविष्य देंगे? देखिए डॉक्टर, मैं भी आप ही की तरह अपने बेटे की वजह से मजबूर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है डॉक्टर, आप अपने इस फैसले के बारे में एक बार फिर से सोचिए प्लीज। कोई ठोस सबूत या चश्मदीद गवाह ना मिलने पर यह अदालत डॉक्टर सत्यजीत सहाय को योर ऑनर मैं कुछ कहना चाहता हूं। उस दिन 16 सितंबर 2005 को जब ये पेशेंट हमारे पास आया। सर पेशेंट का नाम है ब्रजेश गुप्ता, उम्र 20 साल। There's a tumor on the right side of his chest। सारे डिटेल सुनाने की कोई जरूरत नहीं, दो दिन बाद का ऑपरेशन बुक करो। सर द ट्यूमर इज एक्सटेंडेड टिल द स्पाइनल कॉर्ड, आप एक बार पोजीशन देख तो लीजिए। विल हैव टू बुक द न्यूरोसर्जन आल्सो। अब तुम सिखाओगे मुझे ट्यूमर के बारे में? जब मैं ऑपरेशन करता हूँ तो ना ही किसी की सलाह सुनता हूँ ना ही दूसरे डॉक्टर को बुक करता हूँ, समझे? सर ऐसे ऑपरेशन में न्यूरोसर्जन का होना जरूरी होता है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें? अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर में मैं दूसरा डॉक्टर रख लूं। सर इसके तो रीढ़ की हड्डी के पास की नस कट गई है, हमें न्यूरोसर्जन को बुलाना चाहिए। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम किसी नौसिखिया डॉक्टर के साथ काम कर रहे हो? उस दिन जो भी हुआ मेरे हिसाब से सारी की सारी गलती डॉक्टर सहाय की है। इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होने के बावजूद उन्होंने न्यूरोसर्जन को बुलाना मुनासिब नहीं समझा। डॉक्टर सहाय ने यहाँ तक की पेशेंट की हिस्ट्री भी नहीं देखी, उसके रिपोर्ट्स भी नहीं देखे, और जब मैंने कहा कि न्यूरोसर्जन को बुलाना जरूरी है उन्होंने मुझे धमकी देकर साइड कर लिया, क्योंकि इनका ईगो बीच में आ रहा था। उसके बाद ऑपरेशन हुआ, ट्यूमर निकालते हुए
रीढ़ की हड्डी के पास एक नस कट गई और मिस्टर ब्रिजेश गुप्ता शरीर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज हो गया। तो आपने ये बात हॉस्पिटल अथॉरिटी को क्यों नहीं बताई? डॉक्टर सहाय के डर के वजह से। वो मेरे सीनियर डॉक्टर थे, वो चाहे तो मेरा करियर खराब कर सकते थे। डॉक्टर राव की जुबानी इस केस में काफी रोशनी डाली, इसलिए अदालत डॉक्टर सहाय को दोषी मानती। डॉक्टर सहाय ने डॉक्टरी पैसे का अपमान किया है और पेशेंट के साथ विश्वासघात किया है। यह अदालत डॉक्टर सहाय का मेडिकल लाइसेंस रद्द करती है और साथ ही साथ डॉक्टर सहाय को 3 साल की सजा सुनाती है और उसी के साथ डॉक्टर घोष और डॉक्टर स्वामी को जुर्म छुपाने के लिए दोषी मानती है और उसको 6 महीने की सजा सुनाती है। और आशा दीदी हॉस्पिटल को ब्रिजेश गुप्ता और उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया बतौर हर्जाना चुकाने का आदेश देती है। आखिरकार ब्रिजेश की जीत हुई, उसे इंसाफ मिला। डॉक्टर सत्यजीत सहाय को मेडिकल नेग्लिजेंस और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 3 साल कैद की सजा सुनाई गई और उनका मेडिकल लाइसेंस भी खारिज कर दिया गया। डॉक्टर स्वामी और डॉक्टर घोष को अपराधी का साथ देने और अपराध छुपाने के जुर्म में 6-6 महीने कैद की सजा सुनाई गई और अदालत ने आशा निधि हॉस्पिटल को हुक्म दिया कि वो ब्रिजेश को बतौर हर्जाना 1 करोड़ रुपए की रकम अदा करे। ये रकम हमारे देश में मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस के इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी रकम है। इस जीत ने ब्रिजेश को सिर्फ न्याय ही नहीं दिया बल्कि उसका खोया हुआ आत्मविश्वास, उसकी जीने की चाह भी लौटाई। जीत के बाद ब्रिजेश ने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया। वो अपना और अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहता था, आर्किटेक्ट बनना चाहता था। जरा सोचिए ब्रिजेश के लिए ये जंग कितनी मुश्किलों भरी थी। इस लड़ाई में उसे सिर्फ अन्याय ही से नहीं, खुद अपने आप से भी लड़ना था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, वो लड़ता रहा और नतीजा आपके सामने है। उसकी जंग पूरे देश के लिए एक मिसाल है जिसमें धैर्य, साहस और उम्मीद से अन्याय को मात देने का फलसफा छिपा है। उम्मीद है कि हम सब ऐसी ही एक मिसाल कायम करने की कोशिश करेंगे। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं, कल फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी ही बेमिसाल कहानी के साथ। देखते रहिए सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट पैक्स। तो सावधान।